उसके बाद हम यहाँ पे जो उनको सेलेक्ट करेंगे इसको हमें फ्रीज कर देना है। ओके, इक्वल टू, इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, इस जोन के बराबर हो जाए। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज मैं फिर इंटरव्यू से रिलेटेड एक्सेल के 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूरा देखने के लिए इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी यूजर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दोस्तों आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर ने क्या पूछा है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था उसने एक अटेंडेंस का टेबल दिया, ये अटेंडेंस का टेबल दिया उसने, किस जोन के एम्प्लॉय हैं, उस एम्प्लॉय का नाम क्या है, किस डेट को वो प्रेजेंट थे, किस डेट को एब्सेंट थे। अब इंटरव्यूअर का आस्क क्या है, उसको क्या चाहिए, उसको पर्टिकुलर जोन का यहाँ पे टोटल हेड काउंट चाहिए कि पर्टिकुलर जोन में कितने एम्प्लॉय हैं और उसके बाद यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं। वो प्रेजेंट इस तरीके से आना चाहिए कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन उसने दिया है डेट का, जिस डेट का वो यहाँ पे फिल्टर लगाए उस डेट का यहाँ पे उसके प्रेजेंट कितने एम्प्लॉय हैं उसका यहाँ पे काउंट आ जाए। तो इस क्वेश्चन को लेकर आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका हेड काउंट लगा लेते हैं। हेड काउंट लगाने के लिए हम यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे, इसके लिए लगाएंगे काउंट इफ। काउंट इफ को क्या चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए। तो क्राइटेरिया हमारा है नेम, सॉरी जोन है, क्योंकि हमें जोन वाइज दिखाना है। जोन हमने सेलेक्ट कर लिया, फ्रीज कर दिया इसको, कॉमा, और यहाँ पे जोन का क्राइटेरिया हमने दे दिया। इक्वल टू लगाएंगे और नीचे इसको ड्रैग कर देंगे। अब हमारे पास हेड काउंट आ चुका है 11, टोटल हेड काउंट है 11। अब हमें निकालना है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो हमारा काउंट इफ होता है उसको तो पर्टिकुलर एक कॉलम चाहिए और यहाँ तो हर बार डेट के अकॉर्डिंग हर कॉलम चेंज होगा, तो वो ट्रिकी है थोड़ा सा, इसीलिए ये आंसर, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस डेट का एक नंबर निकाल लेंगे, इसका पोजीशन हम निकाल लेंगे। पोजीशन हम किससे निकाल लेंगे, मैच फंक्शन के थ्रू। उसके लिए हम लगाएंगे मैच। मैच को क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, क्या चेंज करेगा, वो डेट चेंज करेगा, जो डेट का फिल्टर है उसको चेंज करेंगे। इसको हम फ्रीज कर देंगे, फ्रीज करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब लुकअप अरे, लुकअप अरे क्या देंगे, हम डेट दे देंगे, जो भी हमारी डेट है। अभी यहाँ तक मेरे केस में 1 से 12 जैन तक डेट है, अगर आपका 30 है तो आप वहाँ तक सेलेक्ट करिए, इसको फ्रीज कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा लगा के 0 कर देना है, ब्रैकेट बंद, एग्जैक्ट मैच के लिए। अब यहाँ पे हमें पोजीशन मिल गया, ये जो 9 डेट है वो कहाँ पे है, 9 पे है। अगर मैं यहाँ से कोई भी डेट चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन चेंज होती रहेगी। तो अब हमें पोजीशन मिल गया, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे इस फॉर्मूले को, और यहाँ पे फिर से लगाएंगे इक्वल टू। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इंडेक्स, इंडेक्स हम लगाएंगे। इंडेक्स क्या करेगा, ये आउटपुट देगा। ओके, तो अब इंडेक्स को क्या चाहिए, एरे। एरे में हमें क्या देना है, जो हमें आउटपुट में चाहिए। तो मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब इसको फ्रीज कर दिया हमने। अब हम लगाएंगे कॉमा, रो नंबर चाहिए। तो रो नंबर तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें रो तो चेक नहीं कराना है यहाँ पे कोई भी, हमें बस कॉलम चेक कराना है। तो रो स्किप करने के लिए हम यहाँ पे एक कॉमा और लगा देंगे। अब ये रो स्किप हो गया, अब आ गया है कॉलम। कॉलम नंबर हम इसको डायनेमिक तरीके से देंगे, जो कि अभी हमने मैच के साथ किया है, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ओके, अभी हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। अभी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से टोटल हटा दूँ, ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो ये पूरा लिस्ट आ चुका है। अगर आप यहाँ से जाकर डेट चेंज करते हैं, यहाँ से जाकर कोई भी आप डेट चेंज करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग जिस डेट का आप वहाँ सिलेक्शन करेंगे उस डेट का यहाँ पे ये लिस्ट देता रहेगा। ओके, तो अब क्या हुआ, हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल काउंट इफ का फंक्शन लगा देना है इंडेक्स के पहले। अभी हम लगाएंगे काउंट इफ नहीं लगाना है, काउंट इफ्स लगाना है, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है तो काउंट इफ्स लगाएंगे। अब हम ये हो गया काउंट इफ के लिए क्राइटेरिया वन। अब कॉमा लगाएंगे, यहाँ से हमें क्या चाहिए प्रेजेंट, यहाँ पे हमने पी ले लिया। फिर हम लगाएंगे कॉमा क्राइटेरिया टू, क्या है हमारा जोन, पर्टिकुलर जोन के अकॉर्डिंग आना चाहिए ना, इसको सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज कर दिया हमने, कॉमा लगाया। अब यहाँ पे हम दे देंगे जोन का क्राइटेरिया, इसको भी हम फ्रीज कर लेंगे 3 टाइम या 4 प्रेस करके। अब हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं टोटल करके दिखाऊँ आपको, तो अगर आप 4 तारीख का यहाँ पे देखेंगे 6 आ रहा है टोटल, 6 लड़के प्रेजेंट हैं, यहाँ भी 6 लड़के प्रेजेंट हैं। अब यहाँ से कोई भी डेट अगर हम चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा चेंज होता रहेगा। ओके, तो ये दोस्तों रहा हमारा पहले क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें इंटरव्यूअर का क्या आस्क है, इसमें इंटरव्यूअर ने हमें फिर अटेंडेंस का एक लिस्ट दे दिया कुछ एम्प्लॉय के साथ, और 1 से लेकर 8 तक का डेट के साथ अटेंडेंस दे दिया। अब इसमें क्या कहा उसने, उसने मुझे ये बोला है कि आपको, आप यहाँ पे डेट मुझे वो दे दीजिए कि कौन सा एम्प्लॉय लास्ट प्रेजेंट कब था। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दीपक है, अब दीपक को हम यहाँ से 1 से लेकर 8 तक चेक करेंगे, इसका सबसे लास्ट प्रेजेंट डेट क्या है, किस दिन ये लास्ट प्रेजेंट था। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 7 तारीख को लास्ट है, उसके बाद अब्सेंट है। फिर अगर हम देखते हैं अजय का अगर हम देखें तो ये 1 तारीख के बाद आया ही नहीं है, अब्सेंट है पूरा। तो यहाँ पे अजय के केस में 1 आना चाहिए और दीपक के केस में यहाँ 7 आना चाहिए। तो चलिए ये हम लगाते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले एक बार अपने वीडियो पे अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैंने उसमें मैक्स इफ का फॉर्मूला लगा के किया था। मैक्स इफ जिनके पास 365 का एक्सेस है उन्हीं के उसमें चलता है, जो जिनके पास उससे लोअर का एक्सेल है उसमें वो काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं आज ये क्वेश्चन दोबारा से रख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम यूज करेंगे यहाँ पे मैक्स फॉर्मूला लगाएंगे और अब हम ये करेंगे इफ का यूज। ओके, अब हम यहाँ से लॉजिक टेस्ट कराएंगे। लॉजिक टेस्ट हमें क्या कराना है, हमें कराना है ये जो कि हमें बोला गया है कि प्रेजेंट कब था वो। ओके, यहाँ से हम कॉमा लगाएंगे, डबल कोट में लिखेंगे प्रेजेंट मतलब पी। इतना होने के बाद अब अगर ये ट्रू है, ओके सॉरी हमें यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना, हमें इक्वल टू लगाना है। ओके, अब अगर ये प्रेजेंट है तो इफ वैल्यू ट्रू हो तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेट, ये हमें डेट दे दो। ओके, एल्स क्या करो आप, ब्लैंक कर दो उसको, कुछ नहीं चाहिए हमें। ओके, डबल कोट क्लोज कर दिया हमने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब एक बार दोबारा समझते हैं इसको, इस फॉर्मूले को दोबारा समझते हैं। हमने सबसे पहले लगाया मैक्स, ओके, उसके बाद हमने मैक्स के अंदर इफ लगा दिया। इफ से हमने ये चेक करा लिया कि किस डेट में यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे प्रेजेंट है उसको मिल गया। अब हमने कहा क्या कहा, जहाँ पे प्रेजेंट है वो डेट हमें दे दो। वो डेट जैसे उसको मिलेगा फिर मैक्स क्या करेगा, उसमें से जो भी मैक्सिमम डेट होगा वो हमें आउटपुट में यहाँ पे दे देगा। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं। ये देखिए 7 तारीख यहाँ पे आ गया। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए दीपक के केस में 7 आ गया, अजय के केस में 1 जनवरी आ गया और राज के केस में 8 जनवरी आ गया, इसके में भी 8 आ गया। तो ये देखिए सबका आ गया एज पर दे उनके लास्ट जो प्रेजेंट थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट आ गया है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब इसमें इंटरव्यूअर का क्या आस्क है,
उसने हमें एक लिस्ट दी जोन है जिसमें सेल्स पर्सन का नाम है और उस सेल्स पर्सन का कितना क्वांटिटी सेल किया है वो यहाँ पे वैल्यू है। अब हमें क्या बोला गया, हमें एक तो ये निकालना है कि इस क्वांटिटी में से सबसे टॉप वैल्यू क्या है, किसने सबसे टॉप किया है। ओके, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। अब वो वैल्यू कैसे हम निकाल लेंगे, जैसे ही मैंने ये बोला कि हमें टॉप वैल्यू चाहिए, आपके माइंड में आ गया होगा कि मैक्स फंक्शन का यूज यहाँ पे होगा, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो चलिए मैक्स फंक्शन लगा के हम निकाल लेते हैं, इक्वल टू मैक्स लिखेंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसी में इंटरव्यूअर ने थोड़ा सा ट्रिकी रख दिया। उसने क्या कहा, उसने सेकंड क्वेश्चन जो पूछ लिया है वो कहा कि मुझे पर्टिकुलर ईस्ट जोन में क्या टॉप वैल्यू है, फिर नॉर्थ में क्या है, फिर उसके बाद साउथ में क्या है और वेस्ट में क्या है। ये तो आपने जो ऊपर निकाला है ये पूरे टोटल निकाल दिया, पूरे डेटा का टोटल। अब मुझे पर्टिकुलर जोन के वाइज टॉप वैल्यू चाहिए, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू और यहां पे लिखेंगे मैक्स। अब मैक्स जब भी हम सिंगल कंडीशन का यूज करते हैं तो हम सिंपल ऐसे मैक्स लगाए, उसके बाद हमने वैल्यू दे दिया, वहां पे हमारा आंसर आ गया। अब यहां पे हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जोन के अकॉर्डिंग लेकर आना है। इसके लिए अब हमें एक ब्रैकेट और यहाँ पे ओपन करना है, उसके बाद हम यहाँ पे जोन को सेलेक्ट करेंगे, इसको हमें फ्रीज कर देना है। ओके, इक्वल टू, इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, इस जोन के बराबर हो जाए। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, मल्टीप्लाई क्वांटिटी, क्वांटिटी हमें सेलेक्ट कर लेना है, इसको फ्रीज कर देना है और यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे एंटर। ये देखिए दोस्तों हमारे पर्टिकुलर जोन का यहाँ पे मैक्स आ गया है, ईस्ट में कितना मैक्सिमम वैल्यू है, नॉर्थ में कितना है, ऐसे ही साउथ एंड वेस्ट का। ओके, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिए। तो दोस्तों अब इसमें इंटरव्यूअर का क्या आस्क है, इंटरव्यू ने हमें एक लिस्ट दी है जो प्रोडक्ट का नेम है, इसमें कॉमा लगा के कहीं पे दो प्रोडक्ट है, जैसे कि आप पहले में देखें मोबाइल कॉमा लैपटॉप, टीवी कॉमा मोबाइल कॉमा लैपटॉप, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट दे दिया गया है हमें। अब हमें क्या बोला गया है, हमें इन प्रोडक्ट के अगेंस्ट में यहाँ पे उसका काउंट लगाना है कि इस लिस्ट में पर्टिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल, मोबाइल इस लिस्ट में कितनी बार है वो हमें यहाँ पे काउंट लाना है, या फिर लैपटॉप इस लिस्ट में कितनी बार है उसका हमें यहाँ पे काउंट लाना है, अकरेंस कितना है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसको हम लगाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर ना काउंट इफ चलेगा ना सम इफ चलेगा। ओके, इसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा, ट्रिकी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे सर्च, मैं आपको ब्रीफ करता हुआ चलूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च का फंक्शन यूज करेंगे। सर्च क्या करेगा, हमें इस जैसे कि मोबाइल का पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमें पोजीशन बता देगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करके यहाँ पे मैं लगाता हूँ सर्च फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना हमें, मोबाइल फाइंड करना है। ओके, अब कॉमा किस टेक्स्ट से मुझे फाइंड करना है, इस टेक्स्ट के, तो हमें पूरा लिस्ट सेलेक्ट करना है। ओके, और फ्रीज कर देना है, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आए हैं और कुछ यहाँ पे नंबर आया है। नंबर क्या आया है कि जैसे अगर हमने देखा इसमें पहले में हमने मोबाइल सर्च किया है तो मोबाइल यहाँ पे नंबर एक से स्टार्ट है और सेकंड वाले में नंबर फाइव से स्टार्ट है, थर्ड में फिर एक से, फोर्थ में हमारे पास एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे मोबाइल उसको नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें पोजीशन मिल गया कि हमारा प्रोडक्ट किस किस पोजीशन पे है। ओके, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे
इसको मैं अभी यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहीं पे लगाता हूँ सर्च मोबाइल लिस्ट। ओके, इसको क्लोज कर, ये हमारे पास लिस्ट आई। अब इसमें हम लगाएंगे इज नंबर। अभी जो हमारे पास यहाँ एरर आ रहा है इसको हमें रिमूव करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कहूँगा इज नंबर, एक हमारा फंक्शन है इज नंबर का, अगर ये इज नंबर है तो हमें ट्रू दे दो या फॉल्स दे दो, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास मैच करेगा, जहाँ जहाँ पे जिस जिस कॉलम में मोबाइल मिलेगा वहाँ पे ट्रू आ गया, और जहाँ पे उसको मोबाइल नहीं मिल रहा जिस कॉलम में वहाँ पे फॉल्स आ गया। तो अब हमारे पास ये आ चुका है, अब हमें क्या करना है, हमें बस ट्रू को काउंट करना है और फॉल्स को इग्नोर करना है। तो अब इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट लगाएंगे, इसके बाहर हम डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। डबल कोट्स हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो हमारे रिजल्ट में ट्रू और फॉल्स आ रहा है तो सम प्रोडक्ट क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे ट्रू होगा उसको वन कर देगा और जहाँ जहाँ पे फॉल्स है उसको जीरो कर देगा। ओके, तो अब ये सम प्रोडक्ट लगाने के बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे एंटर। तो ये देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। अब जैसे आप चेक कर सकते हैं मोबाइल, मोबाइल का अकरेंस इसमें कितनी बार है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम मोबाइल का अकरेंस है। लैपटॉप अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5 टाइम लैपटॉप है। ओके, तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन। ऐसे ही दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।